भारत और अफगानिस्तान के बीच में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो मुकाबला खेला जा रहा है, आपको बता दें दोनों टीमें अपना दूसरा मुकाबला खेल रही हैं। जिस तरीके से आज बुमराह का कहर बरपा अफगानिस्तान की टीम के ऊपर, बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 4 सफलताएं अपने नाम की। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने एक चेंज भी किया था, यानी कि अश्विनी की जगह पर आज शार्दुल ठाकुर को मौका मिला था। शार्दुल ठाकुर ने भी एक सफलता अपने नाम की। लेकिन जिस तरीके से इस मैच में हजमतुल्ला और असमतुल्ला के बीच में जो 121 रनों की साझेदारी होती, उससे साफ तौर से यह लग रहा था इस समय कि अफगानिस्तान की टीम कम से कम 300 प्लस स्कोर बनाएगी। लेकिन जिस तरीके से उस पार्टनरशिप को आज हार्दिक पांड्या तोड़ते हैं, उससे जो टीम है यानी कि अफगानिस्तान की टीम 300 के अंदर ही सिमट गई। यानी कि अफगानिस्तान की टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए। यानी कि इस मुकाबले को जीतने के लिए भारत को निर्धारित 50 ओवरों में 273 रनों की आवश्यकता होगी। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से कुलदीप यादव ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 10 ओवर में मात्र 40 रन खर्च कर एक सफलता अपने नाम अर्जित की। अब देखना यह होगा जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे हम बात कर लें केएल राहुल की या फिर हम बात कर लें विराट कोहली की। यानी कि दिल्ली का जो पिच है, इसमें ऐसा माना जाता है कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए बहुत फायदेमंद है, यानी कि इस पे बल्लेबाजी अच्छी होती है। और ये जो टारगेट मिला टीम इंडिया को, टीम इंडिया चाहेगी अपना रन रेट बेहतर करने के लिए कि कम से कम इसको 40 ओवर के अंदर ही इस टारगेट को कंप्लीट किया जाए। जिस तरीके से सुमन गिल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 14 तारीख को होने वाले मैच में भी वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेला जाने वाला है उसमें भी नहीं रहेंगे, यानी कि आज भी ओपनिंग जो जोड़ी होगी वो कप्तान रोहित शर्मा ईशान किशन के साथ करेंगे। नंबर 3 पर हमेशा की तरह विराट कोहली खेलने आएंगे। नंबर 4 पर आएंगे आपके श्रेयस अय्यर। नंबर 5 पर आएंगे केएल राहुल। यानी कि जो टारगेट है टीम इंडिया, इसको बहुत ही कम ओवर में चेज करना चाहेगी, क्योंकि आगे चलकर जो मैच है पाकिस्तान के खिलाफ या जो मैच इंग्लैंड के खिलाफ होने हैं, इन सब में रन रेट एक महत्वपूर्ण विषय निकल कर आएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको हम वर्ल्ड कप की पल पल का अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।